मिनी जू का सब लकड़ी हम लोग हटा दिए हैं और अभी इसमें लगा देते हैं झाड़ू। और उसके बाद हम लोग का जो भैंस इधर बंधती थी उसको अब लेकर हम लोग इधर बांधेंगे, जिससे कि हमारा ये पूरा फ्री रहे। और अभी हमारे ने जितना भी इधर ये जो ईंट है इसको निकाल के हम लोग लेके जाएंगे इधर में, और यहाँ पे हम लोग खरगोश का जो घर है उसको रेडी कर देते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। पापा तो ये एक मिनट इधर आइए, और जितना ईटा है उसको ले जाके वहाँ पे लगा देते हैं तो खरगोश का घर अच्छा हो जाएगा, है ना? हाँ। तो पहले ये वाला जितना ईट है इसको हम लोग ले जाके उधर में लगाएंगे, जिससे हमारा जो खरगोश का घर है वो रेडी हो जाएगा, और इधर से ईट भी हट जाएगा जिससे सफाई सा दिखने लगेगा। और इधर उसके बाद हम लोग को करना है ये जितना टायर है इसको निकाल के उधर में लगा देंगे, तब उधर हम लोग का भैंस बन जाएगा और इधर हमारे सभी परिंदे रह जाएंगे। देख लेते हैं हमारी कबूतर ने अंडे दिए हैं कि नहीं। दिख रहा है नौर बैठा हुआ है, मेदिन कहाँ गई? इसके अंदर बैठा हुआ है। अंडा दे दिए क्या? ना मेदिन इसमें नहीं। नहीं अंडा दे दिए लग रहा। मच्छर से करो कबूतर, कबूतर उसकी कबूतर इसमें आ रहा, उसमें अंडा देगा ना तब हम आपको दिखाएंगे। मुझे लगता है अंडा दे दिया, नहीं तो वो या हो सकता है इधर घर बना रहा हो, जब वो निकलेगा ना तब, अभी क्या पता दी होगी तो ताजा ताजा होगा तो उसको हम लोग छुएंगे नहीं, छूने से ना अंडा गंदा हो जाता है तो इस वजह से हम लोग उसको छुएंगे नहीं। और एक चीज और है दोस्तों, मेरी जो लक्का कबूतर है ना इसको बहुत ज्यादा चोट लग गया था तो इसको हम लोग पिंजरे के अंदर रख रखे हैं। इधर आओ, बाहर बाहर आओ, देख रहे ये सब जितना है ना इसको सब मुर्गी ने मार दिया है, जिसकी वजह से इसको चोट लग गया है। जब तक ये ठीक नहीं हो जाता ना इसी के अंदर रहेगा। और ये हमारा लाल वाला कबूतर उतर के आया खाने के लिए, तो ये हमारा मुर्गा खुला हुआ है जिसकी वजह से वो खा नहीं पा रहा है, तो उधर हम लोग खरगोश का घर बना लेंगे तब उसको पकड़ के ना बांध देंगे। अभी पापा लेकर आ गए उनके लिए बंदा गोभी, जो कि बड़े ही प्यार से वो लोग खाते हैं, तो अभी दे देते हैं इसको खाना सबके लिए। इतना बड़ा मिनी जू में ना ये बहुत ही कम ही परिंदे हैं, बहुत जल्दी हम लोग जब इन लोग का घर बन जाएगा ना तब और भी लेकर आ जाएंगे, क्योंकि अभी इन लोग का घर नहीं बन पाया ना इस वजह से हम लोग और नहीं लेकर आ रहे हैं। तो अभी सभी आ रहे हैं दौड़ के, वो देखिए वो सफेद वाला मुर्गा है ना वो आया खाने के लिए, उसको मार रहा है, तो इसको इसको पकड़ के बांधना ही होगा मुझे। तो पहले ये लोग बच्चे जितने खा रहे हैं खा लो खा लो खा लो फटाफट फटाफट खा लो, जल्दी खाओ जल्दी खाओ जल्दी खाओ। ये वाले बच्चे को ना चोट लगा था, ये अभी ऐसे ही है, इसको हम दे देते इधर में, थोड़ा इसके ऊपर काट के गिराइए, ये खाता है कि नहीं। इसके मुंह में पंख, अरे वो अपने खा रहा, वो पंख था तो उसको निकाल दिया हम लोग। चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो उधर चल चल। अरे काली वाली ना भागो इधर से, दो तीन दिन हो गया ये अंडे नहीं दे रही है, पता नहीं क्यों। इसी को कड़कनाथ कहते हैं, कितना अंडा देती है मुझे कुछ पता ही नहीं है। वैसे तो वो लोग बोला कि 17-18 अंडे देती है, और इसमें अंडा देती थी, जब भी आते इसमें कुछ दिखता ही नहीं है, पहले तो दिखता था, हाँ सफेद अंडा होता है तो उस वजह से रोशनी की वजह से दिखता था, अभी तो कुछ उसमें दिखता ही नहीं है। तो अभी सभी चूजे इधर खा रहे हैं, जब तक मैं जितना ईट है ना सभी आके इधर खा रहे हैं, तो जितने ईट है ना मेरे को उसको ले आके इधर रख देंगे, तब इधर ये सफाई हो जाएगा, फिर हम लोग का रेबिट का हो जाएगा घर रेडी। क्या हो गया है? खा लो खा लो, आज आज ईट लगा देंगे, उसके बाद उसमें मट्टी भी डालना होगा, तो मट्टी लाने में थोड़ा सा लेट हो सकता है, तो इस वजह से मतलब आज उसको तो साइड से रेडी कर देंगे, और कल नहीं तो परसों इसको पूरा मट्टी डाल के अपने रेबिट को उसमें शिफ्ट कर देंगे। ये पहले हम लोग इधर हटा के इसको पहले हटाएंगे ना, तभी जाके वो भैंस इधर आएगी, नहीं तो हमारे सभी परिंदे ऐसे ही रह पाएंगे, तो पहले मैं ये हटा देता हूँ। तो अभी हमारे ना खरगोश का घर रेडी हो ही रहा है, और ये आके इसमें घूमने लगा है, अच्छा बात है, ये अपना घर देख लेगा ना पहले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब ये रेडी हो जाएगा ना तब इसको कहाँ से उतरना है क्या करना है। इधर हम लोग सोच रहे हैं ना एक सीढ़ी टाइप का बना देंगे, जिसकी वजह से नीचे उतर लेगा आराम से, और नीचे आके घूम भी सकेगा, और इसको थोड़ा हाइट पर करके फिर हम लोग इसके अंदर डालेंगे मट्टी,
कि उसमें अपना ये बिल बना सके। हर जगह ये ना खोद खोद के बिल बनाया जा रहा है, तो इसीलिए हम इधर से घेर कर इतना दूर में घेरेंगे और फिर इसमें मट्टी डालेंगे और इसी के अंदर ही अपना घर बनाएगा और इसी के अंदर ही रहेगा। क्या कर रहे हो बेटा, दे रहे हो? मेरा बेटा अभी हेल्प कर रहा है ईंट लगाने में। अभी रेविट का घर इतना रेडी हुआ, अभी पूरा ये थोड़ा हाइट में करना है इतना ईंट डाल के। क्या हुआ? हाँ उधर से ईंटा लेके आओ बेटा, उधर से लेके आओ ईंटा, उधर में उधर जाओ लेके आओ। तो अभी हम लोग का उधर आधा ईंटा उठ चुका है और थोड़ा बाकी है, तो इधर लाके रख देंगे। बाकी ईंट हम लोग का इधर में है, जो कि इधर से भी ईंट लाके इधर रख देंगे। तभी पिताजी ला के इतना सजा दिए हैं और रेविट भी इधर जा रहा, घूम रहा है। क्या हुआ, काट ली? क्या कर रहे थे? अभी जाके खरगोश को ऐसे पकड़ रहा था, कैसा लगा? काट ली? चलो ठीक है, काट ली तो थोड़ा मैं भी ला रखे, जल्दी से रेडी करवा देता हूँ। इधर से हम लोगों ने ना जितना ईंट था सब ले जाके उधर लगा दिए हैं और हम लोग का खरगोश का जो घर भी है वो रेडी सा हो गया है। बस इसमें हम लोग को मट्टी डाल देना होगा। मट्टी डाल देने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा सजा देंगे, जिसके वजह से वो अच्छा लगेगा और अपना इसमें घर बना के बिल बना के रहेगा। क्या हो गया, क्या हो गया है? आ क्या हमारा बेटा ना इधर से उधर इस बच्चे को मार रहा है। ये बांस ले लिया और इस बच्चे को मार रहा है। इसके लिए अभी हम कुछ दे देते हैं खाने के लिए। इसमें कुछ खा रखा है, यहाँ पे दाना दिख रहा है, तो इस पे रहो। अभी लेकर आते हैं सबके लिए फिर से हम लोग दाना, जो कि बाहर में है। मुझे लगता है मेरे कबूतर ने ना अंडा दे चुका है, थोड़ा सा चेक करते हैं। उठो तो यार मार रहा है, उठो तो। अरे किधर में है ये भाई? अंडा दे दिया, देख रहे हैं कबूतर ने अंडा दे दिया है, मेरी कबूतरी ने अंडा दे दिया। और कबूतरी किधर आके बैठी हुई है? कबूतरी देखिए, कबूतरी आके इसमें बैठी हुई है। इसको कुछ हम लोग निकाल के बाहर खाने के लिए रख देते हैं, क्योंकि अंदर रहेगी तो ये कुछ खा नहीं पाएगी। तो चलो इधर में रहो, कबूतरी ने अंडा दे दिया, इसका कबूतर बैठा हुआ है। अब लगता है ना कि हमारे कबूतर के बच्चे निकल जाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा आज खुशी हो रहा है। अभी हमारी कबूतरी ने अंडे जो दे दिए है ना, तो अभी लेकर आते हैं इनके लिए दाना, क्योंकि वो खा करना तुरंत अंदर की तरफ जाएगी, तभी जाके वो अंडे पे बैठेगी। तो मैं ले आता हूँ इनके लिए दाना। सबसे पहले हम लोग डाल देते हैं इसके अंदर पानी, जो कि ये लोग आगे पी लेगा। ये गंदा सा हो गया तो इसको फेंक देते हैं और इसमें देते हैं इन लोग को पानी। हट जाओ बेटा, हट जाओ। आएगा लोग, सभी लोग पानी पिएगा। वैसे हमारी कबूतरी ना इसमें जाके पानी पी रही है। लो इसमें और भर देते हैं, लो और पी लो। और एक इधर में इसमें भी डाल देते हैं। वैसे ये सब डब्बा ना मुर्गी का दाना ही का है। उसमें पहले हम लोग का ये मुर्गी फार्म था ना, तो इसमें हम लोग मुर्गी रखते थे, तो अभी हम लोग मिनी जू बना दिए हैं। उन्हीं लोग का ये सब डब्बा है। अरे डंडा लेके किसको मारोगे? हटाओ, गाड़ी मत बनाओ, छोड़ो। तो अभी हम लोग दाना बोले हैं मम्मी को लेके आने के लिए, तो मम्मी लेके आ रही हैं। जैसा हम लोग इसको पानी दे दिया, अभी हमारा कबूतर भी नीचे उतर गया। अभी देखते हैं अंडा कैसा है। छोड़ो तो बेटा, और कितना अंडा दी है ये भी देखते हैं। एक अंडा है, देख रहे हैं वो भी कबूतर का कितना छोटा। इसके वजह से याद आया कि आज हमारी काली वाली और लाल वाली मुर्गी अंडा दी है कि नहीं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसके अंदर बार बार आ रही थी, इधर में कोई अंडा ही नहीं और खरगोश आके इसी में हमारा रेविट घूम रहा है। इसके अंदर अंडा है ही नहीं, कहीं पे भी अंडा हमें आज नहीं दिख रहा है। लगता है आज हमारी मुर्गी फिर से अंडा नहीं दी है। अभी हम लोग लेकर आ गए हैं गेहूं और इनका दाना। बंदा को भी लो, खाओ 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 खाओ, लो 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 लो, आओ खाओ खाओ लो। सभी हमारे परिंदे आ गए इधर खाने के लिए। लो और लो, इधर ले लो, लो 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 लो, खाओ 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 खाओ।
तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे कल, जब तक के लिए बाय दोस्तों।